हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद टारगेट। आज की वीडियो में बात करेंगे हम एसएससी पेज 11 के बारे में, जिसमें आप लगभग कैंडिडेट परेशान है कि इसका सिक्योरिटी का रिजल्ट आपके कब तक देखने को मिलेगा। और एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये भी है कि आपको इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो भी आपकी जल्द देखने को मिलेगा, तो वो भी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना जिससे मैं आपको पूरी जानकारी वो आपको बता सकूँ। तो देखो, पहले तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, अगर आपको थोड़ी बहुत अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करना। तो देखो, सबसे पहले हम एक नोटिस है, कल की डेट में आपका आया था 18 अक्टूबर को, तो उसको हम देखते हैं। देखो यहाँ पे तो लगभग अभी मेरी वेबसाइट पर पता नहीं शो नहीं कर रहा है, 9 अक्टूबर के बाद कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं बता रही है। तो मैंने इस एक बार व्हाट्सएप पे मैंने इसको डाउनलोड कर लिया था, तो इसको हम ओपन करते हैं। तो आप सभी ने लगभग इस नोटिस को देखा ही होगा, ये बात तो कन्फर्म है। अभी देखो इसमें एक कुछ डिटेल दी हुई है एसएससी फेज 11 का, ये तो आपको कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको आपको कोई दिक्कत नहीं है। खास आपके जो पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट है द प्रोस। देखो यहाँ से अगर हम देखो, जिनको इंग्लिश आते हैं उनको तो समझ में आ गया होगा, इसको हम थोड़ा इंग्लिश ट्रांसलेट करके भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो कहा गया है कि उपरोक्त उद्देश्य के लिए उपयोगकर्ता विभाग और एसएससी के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अपने जाने वाली प्रक्रिया नीचे दी गई है। यानी कि जो कोई भी आपकी प्रक्रिया होगी आगे एसएससी फेज 11 के प्रोसेस की, यानी कि सिक्योरिटी रिजल्ट की, फाइनल रिजल्ट की, वो आपको नीचे सारे पॉइंट आपके दिए हुए हैं। तो जिसमें आपके जो ये पॉइंट लगभग ए बी सी डी ई ई, यानी कि ये 5 पॉइंट आपके दिए हुए हैं। तो सबसे पहले पॉइंट को अगर हम देखते हैं, देखो द यूजर डिपार्टमेंटल विल बी कंडक्ट ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटी ऑफ एलिजिबिलिटी एंड फर्निश ऑफ द स्टेटस रिपोर्ट। यानी कि जो आपके डिपार्टमेंट है, जो आप जैसे कि आपने सभी ने अलग अलग आपके डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है, जैसे कोई भी यानी कि कुल मिला के आपके 500 प्लस कुछ यहाँ पे डिपार्टमेंट थे, तो उन सभी डिपार्टमेंट को आपके जो सिक्योरिटी रिजल्ट है वो खुद चेक करेगी। डिपार्टमेंटल आपके लगभग जो डिटेल होगी उसको देखेगी कि डॉक्यूमेंट आपके सही है नहीं है, वो डॉक्यूमेंट सही होने के बाद आपको एसएससी को वापस से जानकारी देगी। उसके बाद एसएससी अपनी वेबसाइट पे इस प्रोसेस को अपलोड करेगी, जिसके लिए यानी कि जिसका आपका रिजेक्शन लिस्ट है या फिर आपके सिलेक्शन लिस्ट है, यानी कि सिक्योरिटी की लिस्ट, वो आपके एसएससी अपलोड कर देगी। यानी कि ये प्रोसेस आपके जल्द से जल्द हो सकता है। पहले ये था कि इसमें थोड़ा टाइम लगता था, क्योंकि देखो जब इसमें पूरे एसएससी लगभग सिक्योरिटी का डिटेल देखती थी तब इसमें थोड़ा टाइम भी लगता था, तो अभी ऐसा आपके बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट में ये सारे आपके डॉक्यूमेंट भेज दिए होंगे और वो डिपार्टमेंट ही चेक करेंगे। यानी कि ये प्रोसेस बहुत ही कम टाइम में आपके कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जहाँ तक देखो, ये तो आपके लगभग डिपार्टमेंटल आपके जो सिक्योरिटी है वो आप देखेगी, ये हो गया। उसके बाद देखते हम नेक्स्ट पॉइंट, ऑफिस ऑफ एसएससी विल बी अपलोडेड द अप्रोप्रिएट टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड लिस्ट कैंडिडेट ऑफ द वेबसाइट ऑफ कॉलिंग रेस्पेंसेंटेशन इफ एनी फ्रॉम द कैंडिडेट विद इन एन पीरियड ऑफ 10 डेज फ्रॉम अपलोडिंग ऑफ सेड लिंक। देखो इसमें यह कहा गया है, देखो इसको थोड़ा हम देखो ट्रांसलेट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं। देखो इसको हम थोड़ा ये कहा गया है कि आपके जो लिस्ट आएगी, लिस्ट आने के बाद यानी कि जो आपके सिक्योरिटी रिजल्ट की लिस्ट आएगी, अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट उनको यानी कि अपलोड करके आप भेज सकते हैं। ऐसा कुछ ये कह रहे 10 डेज के अंदर, यानी कि जब भी आपके सिक्योरिटी का रिजल्ट आएगा तो उसके 10 डेज के अंदर आप इस डिटेल को आप फिलअप करके, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट है वो आप वहाँ पर वापस भेज सकते हैं अपलोड करके। ये कुछ इन्होंने कहा, इसको मैं वापस देख लूँगा, वापस मैं आपको आगे अपडेट आपको दे दूँगा। नेक्स्ट क्या क्या गया, और देखो इसमें जो आपके फाइनल क्या बोलते हैं रिजेक्टेड लिस्ट है और एक्सेप्टेड लिस्ट है आपके, वो आपके डिपार्टमेंट जारी करेगी। डिपार्टमेंट आपकी लिस्ट है उसको बना के एसएससी को दे देगी, एसएससी अपनी वेबसाइट पे इसको अपलोड कर देगी। ये आपके सी पॉइंट यानी कि जो आपके ये आपके कहा गया है। ये आगे देखते हैं, प्रोविजनल एक्सेप्टेड रिजेक्टेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोवाइडेड बाई यूजर डिपार्टमेंट, यानी कि जो डिपार्टमेंट है वो लिस्ट भेजेगा, वो आपको एसएससी अपलोड कर देगी। ये भी कहा गया है। और जो आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो आपके डिपार्टमेंट में आपके होगा, यानी कि ये प्रोसेस आपके जल्द से जल्द होगा, यानी कि इसको समाप्त किया जाएगा। यानी कि अगर मानकर चलो कि 2024 के स्टार्टिंग में इस प्रोसेस को, जहाँ तक लगता है मुझे, ये पूरा प्रोसेस आपके कंप्लीट हो जाएगा। आपके आगे लिखा गया है पब्लिश और वेबसाइट, जो आपके लिस्ट होगी एक्सेप्टेड वो आपके पब्लिश, जो मैंने आपको डिटेल बताई वही सारी है, यानी कि वेबसाइट पे आपकी डिटेल है वो आपके अपलोड की जाएगी। जो कोई भी आपके जैसे कि सिक्योरिटी के
अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद जो आपके फाइनल रिजल्ट की लिस्ट होगी वो आपके SSC की वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी। फाइनल आपके इसमें यही कहा गया है कि आपके जो कोई भी सारा प्रोसेस है, यानी कि सिक्योरिटी, फाइनल रिजल्ट, एक्सेप्टेड लिस्ट है और रिजेक्टेड लिस्ट, सारी लिस्ट आपके डिपार्टमेंट ही जारी करेगी। और इसका फाइनल यानी कि मेन कारण यही कि आपके जल्द से जल्द सिक्योरिटी का रिजल्ट आपको नेक्स्ट महीने में देखने के चांस मिल सकते हैं, यानी कि एक एक करके आपके डिपार्टमेंट की आपके लिस्ट आ जाएगी। सभी की एक साथ नहीं आएगी क्योंकि किसी किसी में लगभग कैंडिडेट कम भी थे, किसी किसी में बहुत ज़्यादा थे, इस कारण थोड़ा ऊपर नीचे आने की, यानी कि मान के चलो कि 15 नवंबर के बाद आपको एक एक डिपार्टमेंट की लिस्ट देखने को मिल सकती है। और फाइनल अगर ज्वाइनिंग की बात करें और फाइनल रिजल्ट की, आपको लगभग देखो 2024 के क्या बोलते हैं 2024 के स्टार्टिंग में, जनवरी के स्टार्टिंग में आपके लगभग फाइनल रिजल्ट भी आपके आ जाएगा, जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद आपके लग रही है। और मार्च के स्टार्टिंग में आपके ज्वाइनिंग भी होने के पूरे चांस बनेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट में आपके सारे जो काम है वो डिवाइड हो गया, तो काम बहुत ही आसान हो गया है, तो ये प्रोसेस आपके जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपके कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।